अमावस्या सोम को आती है तो उसको कहते हैं सोमवती, लेकिन यदि अमावस्या मंगलवार को आए उसको भूमावती अमावस्या कहते हैं, भोमवती। क्या कहते हैं? भोमवती। भोम मतलब मंगल। तो मंगल क्या काम करता है? अगर नवग्रहों को देखें तो मंगल जो है वो ऋण देता है। जिसका मंगल ठीक नहीं होता है वो क्या रहता है? ऋणी रहता है। उसको खून की तकलीफ रहती है, उसका भाइयों में टकराव रहता है, उसका मकान नहीं बनता है, और उसका स्वभाव जो है वो जिद्दी होता है। ये मंगल का प्रकोप होता है। और मंगल शुभ होता है तो भाई ऐसे घर में चलते हैं जैसे दूध और शक्कर। मकान एक क्या, चार चार मकान बन के खड़े हो जाते हैं। जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है वो सेना में होते हैं, वो पराक्रमी होते हैं, वो बहुत बोल्ड होते हैं, निर्णय लेना उनका सबसे अच्छा सजाग होता है। तो कुल मिलाकर ये जो भूमती अमावस्या है, इस दिन प्रयास कीजिएगा कि किसी के घर का भी आप अन्न जल नहीं लें। दूसरा प्रयास कीजिएगा कि उस दिन कुछ मीठा बनाकर गरीबों में ज़रूर बांटें। और प्रयास कीजिएगा कि अगर आपके ऊपर ऋण है या कोई गंभीर बीमारी का आप सामना कर रहे हैं या शत्रु पक्ष से आपको लगता है हमको बहुत हानि होती है, तो उस दिन आप नमक मिर्ची का सेवन नहीं कीजिएगा, आप मीठा भोजन करिएगा। आश्रम आके उस दिन विशेष जप कीजिएगा कि जो तुलसी के पौधे होते हैं उसमें नीचे क्या होती है पन्नी में? मिट्टी। तो मिट्टी जो है वो भूम भूमि से जुड़ी हुई, मंगल जो है वो भूमि के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? तो उस दिन आप ऐसे पौधे लेके अगर मंदिरों में गरीबों को दें तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक छोटा सा उपाय हमारे आश्रम के पंडित जी बताते हैं ब्राह्मण, कि तांबे का लोटा लो, उसमें गुड़ डालो, सिंदूर डालो और लाल रंग का फूल डालो। बाएं हाथ से लोटा पकड़ो और दाएं हाथ से जल की धारा मिट्टी पर करो, चिक्की मिट्टी समझना है, उधर धारा करो और ये मंत्रों का उच्चारण करो। ओम भूमाय नमः, बोलिए ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम ऋण मुक्ताय नमः, ओम मंगलाय नमः। ऐसे करके भूमि पर वो गुड़ सिंदूर फूल वाला जल चढ़ाएं और फिर मिट्टी का क्या करें? तिलक करें। तो ये जो संघर्ष जिनको सामना करना पड़ता हो, ये सात्विक प्रयोग करके भी आप अमावस्या का लाभ ले सकते हैं। उस दिन एक समय भोजन करें तो बहुत अच्छा, मौन रखें तो बहुत अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ें, अपने गुरु मंत्र की माला करें, ओमकार की माला करें, और साथ ही साथ बड़दादा पीपल पे परिक्रमा करें। शाम को दीप दान अपने पितरों के लिए दक्षिण दिशा में करें, पीपल पे करें, तुलसी में करें, तो इससे भी आपका आने वाले जीवन में मांगलिक देवी कार्यों का लाभ होगा। नारायण हरि नारायण। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। सभी भक्त जनों का फिर से एक बार खूब खूब स्वागत है। एकदम संक्षिप्त पूजा हम आज आपको बता रहे हैं। भगवान गुरुदेव का स्मरण करके घर में किसी भी तरह का कर्ज हो, किसी को जमीन जायदाद संबंधी कोई तकलीफ है मकान आदि की, किसी के कोर्ट कचहरी में केस आदि कोई चल रहा है, समस्या चल रही है, या किसी के लड़के लड़कियों की शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हैं, विवाह में देरी हो रही है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि होता हो, या किसी के घर में रोग आदि बहुत ज़्यादा हों, बीमारियाँ बहुत रहती हों, उन सब लोगों के लिए योग बहुत ही फायदेमंद है। सब तरह की समस्याओं को दूर करने वाला बिल्कुल संक्षिप्त सी सामग्री, आपको कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुमकुम, चावल, लाल रंग के पुष्प, गुलाब आदि जो भी आपको उपलब्ध हो आप ले सकते हो। गुड़, पानी, अगर हो सके तांबे के लोटे में लेना, नहीं तांबे का लोटा हो घर में जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और एक दीपक। अब हम सब पूजा का आरंभन करते हैं। सबसे पहले तो गुरुदेव ने जैसा शुभ आज्ञा दी है, अपने ललाट पे सब जने कुमकुम का तिलक लगा लेना। पहले भाई लोग अपना तिलक लगा लो, पुरुष लोग, मैं मंत्र बोलता हूँ। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब जितनी महिलाएं चाहे कुमारी कन्याओं चाहे शादीशुदा हो वो अपना अपना तिलक लगा ले, मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातम इष्णन इक्खाण मुम्म इक्खाण सर्वलोकम इक्खाण। दोनों हाथ जोड़ के पहले ध्यान करेंगे भगवान गुरुदेव का।
शास्त्रों का भी आदेश है, कोई भी पूजा आदि सत्कर्म करें सदगुरु की आज्ञा उनकी अनुमति लेकर करें तो ही पूजा सफल होती है। गुरुदेव को दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि शास्त्र का ऐसा जो पवित्र योग बना हुआ है, भौम प्रदोष योग और वारुणी योग, जिसके स्वामी भगवान वरुण देवता है और भौम प्रदोष के भगवान मंगल देवता है, सब तरह से मंगल करने वाले भगवान इस पवित्र योग में आज वो ये जो संक्षिप्त पूजन कर रहे हैं, गुरुदेव आपकी कृपा आपके आशीर्वाद हमारे पर बने रहें, हमारे हृदय में गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति खूब भक्ति बढ़े, हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए, हम गुरु चरणों में प्रेम पूर्वक सदा सेवा और साधना करते रहें और बापूजी भी हमारे पर संतुष्ट रहें और बड़े में बड़ी हमारी इच्छा ये पूरी हो कि हमारे गुरुदेव जल्दी से जल्दी बाहर पधारे, हमें गुरुदेव के दर्शन सत्संग का लाभ मिले। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव को प्रार्थना करनी है। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्यम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनम् व्योमवत् व्याप्ति देवाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। अब सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान गणपति का ध्यान करना है कि गणपति भगवान आप कृपा करके हमारी सेवा भक्ति साधना में से हमारे घर परिवार के शुभ कार्यों में से सभी विघ्न बाधाएं हटा देना। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्वस्वरिद्धि बुद्धि सिक्ष्मन् महागणपति देवताभ्यो नमः। अब क्या करना है, ये जो हमने सामान लिया है, एक लोटा भर के जल जो लिया है कलश में, इस कलश के अंदर हम कुमकुम आदि पदार्थ डालेंगे, इस कलश के जल से हम पृथ्वी माता को अर्घ्य देंगे। आपके आसपास जहाँ भी लॉन वगैरह में पार्क वगैरह में जहाँ भी साफ धरती है, गंदगी नहीं हो, ऐसी धरती पर आप अर्घ्य दे देना। ये आज का खास पूजन विधान है। थोड़ा कुमकुम पानी के अंदर डाल देंगे, ऐसा भाव करके भगवान गुरुदेव गणपति मंगल देवता वरुण देवता और पृथ्वी माता इनकी पूजा कर रहे हैं। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पव्ये श्रियम ओम गंधम समर्पयामि। थोड़े से चावल डाल देंगे पानी में। ओम अक्षताश्च सुर श्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता ग्रहाण परमेश्वर अक्षतान समर्पयामि। लाल रंग के फूल पानी के अंदर डाल देंगे, गुलाब आदि जो भी आपको मिले। ओम मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम् प्रतिग्रहीयताम् रक्त पुष्पम समर्पयामि। और थोड़ा सा गुड़ पानी के अंदर डाल देना है। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गोशिश्नोद्योह समवर्धत पद्भ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकाम अकल्पयन्नम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरे प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। भगवान के अर्घ्य के लिए ये दिव्य जल तैयार हो गया है। अब इस जल में क्या करना है, तीसरी उंगली जो अपनी अनामिका उंगली है वो कुमकुम वाली करके, थोड़ी गीली करके कुमकुम वाली करके और कलश के जल के अंदर डुबा के रखनी है। अपन सभी भगवान के देवी देवताओं के मंत्र से इस जल को अभिमंत्रित करते हैं। अपनी उंगली पानी में डुबा के रखना। ओम आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगिंद्रमिद्यम भवरोग वेद्यम श्रीमद गुरुम नित्यमहम नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। ये गुरुदेव के दिव्य मंत्र से हमने इस जल को अभिमंत्रित किया। अब गणपति भगवान का मंत्र बोल रहा हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान मंगल देवता का मंत्र बोल रहा हूँ। हे मंगल देवता, हमारे जितने भी कष्ट वगैरह सब दूर हो जाए, ऐसी कृपा करना। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा ओम भूर्व स्वम ओम अग्नि मुर्दा दिवा खकुत्पत्ति पृथिव्यायम अपाक गो रेता गो सृजिन्वती ओम स्व भुव भुव स क्रोम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः।
ओम श्री मंगलाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम कुजाय नमः। भगवान वरुण देवता का मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदाशास्ते यजमानो हवीर्भिः अहेड्मानो वरुणो हव दुर्षग्गो समान आयु प्रमोघी ओम वम वरुणाय नमः। और पृथ्वी माता का मंत्र बोलता हूँ अंतिम, उससे अभिमंत्रित करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया तथा लोका देवी तम विष्णुना तथा तम च धारय माम देवीम पवित्रम कुरुचासनम। ये हमारा जल अभिमंत्रित हो गया। अब इस कलश के जल को हाथ में ले लेंगे। अब इस जल के द्वारा अपन पृथ्वी माता को अर्घ्य देने वाले हैं। मन ही मन एक मिनट के लिए शांत होकर प्रार्थना करेंगे। अपना गुरु मंत्र मन में 21 बार जप कर भगवान इस पवित्र जल से आज महान वारुणी योग में और भौम प्रदोष योग में हम जो पृथ्वी माता को अर्घ्य दे रहे हैं, भगवान गुरुदेव, भगवान गणपति, जगदम्बा पृथ्वी माता, भगवान मंगलदेव, आप सब हमारे ऊपर प्रसन्न होना भगवान। और जिसके भी जो भी तकलीफ हो मन में प्रार्थना कर लेना। किसी के कर्ज बाधा है, किसी के घर में दरिद्रता है, किसी के रोग है, किसी की बीमारियां ज्यादा है, किसी के शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हैं, जो भी तकलीफ है मन में प्रार्थना कर लेना भगवान इस अर्घ्य से हमारी सब तकलीफें दूर हो जाए। और एक विशेष प्रार्थना, हमारी भक्ति गुरु चरण में जरूर बढ़े। बापू जी हमारे ऊपर सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहे भगवान। अब इस जल के द्वारा अपन पृथ्वी पर अर्घ्य देंगे। ध्यान रखना साफ पृथ्वी हो, कोई थूकते वूकते नहीं हो, ऐसी साफ जमीन के ऊपर आपके आसपास जहाँ पार्क लॉन वगैरह जो भी हो वहाँ दे सकते हो, या तो कोई पवित्र वृक्ष है पीपल आदि तो उसके मूल में भी आप ये जल चढ़ा सकते हैं। अपन अभी जल चढ़ा के और इस दीपक के द्वारा पृथ्वी माता आदि को आरती उतार लेंगे। यहाँ तो ये अहमदाबाद की परम पवित्र भूमि है, पूज्य गुरुदेव की तपस्या से, गुरुदेव की चरण रथ से पावन हुई भूमि। यहाँ के पवित्र जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, इनकी जड़ में मैं चढ़ा रहा हूँ। आप अपने घर में अपने हिसाब से चढ़ा देना। हरि ओम। ओम अर्घ्यम ग्रहाण देवेश गंधपुष्पाक्षतेरितम ताम्रपात्रस्थितम चेव फलतोय समन्वितम ओम पम पृथिवे नमः। ओम धरणी गर्भसंभूत विद्युत कांति समर्पम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। ओम क्रां क्रीं क्रौं सौं भूर्व सौम अग्नि मूर्धा दिव ककुत्पत्ति पृथिव्यायम अपाक गोरेता गो सृजिन्वती ओम स्वभूम स क्रौं क्रीं क्रा भौमायनम। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी त्वं विष्णुना दत्ता त्वं च धारय मां पवित्रं कुरुचासनम। ओम पं पृथिव्ये नमः। ओम वं वरुणाय नमः। सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। पृथ्वी के ऊपर ही साफ जल का अर्घ्य चढ़ा दिया। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे और फिर ये जो दीपक है अगर आपके पास हो तो दीपक जला देना, नहीं हो तो चलेगा। संक्षिप्त केवल मंत्र आरती उतार लेंगे। पृथ्वी माता की ऐसा भाव करके भगवान गुरुदेव गणपति पृथ्वी माता मंगल देवता और वरुण देवता इन सबकी आरती उतार रहे हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात शक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। ओम सज्जम च वर्ति संयुक्त वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोकेति निरापहम दीपम दर्शयामि। फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। ओम यस्य स्मृत्याचना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम जाति सद्यो वंदे तमच्युतम। तीन ताली बजाएंगे एक साथ। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगल भगवान की जय। पृथ्वी मात की। आप सभी भक्तजन इस पूजन से जुड़े इसके लिए आपका खूब धन्यवाद। और एक और निवेदन है मेरा आप सबसे, यज्ञशाला ग्रुप से आप सब भक्तजन अवश्य जुड़े रहें। एक समय समय पर जो सुंदर तिथियां हमारे शास्त्रों में पुराणों में जो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा बताई हुई दिव्य तिथियां दिव्य योग आदि आते हैं उनकी पूजा संक्षेप में आप लोग कर सके ऐसी व्यवस्था हमारे संत श्री आशाराम जी आश्रम से हमारे आश्रम के समर्पित गुरु भाइयों द्वारा की जाती है। आप सब उसका लाभ जरूर ले सकें। ये इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर देना ताकि बार बार आप सुन सकें, घर पे पूजा कर सकें। ये यज्ञशाला ग्रुप का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर केवल आप हरिओम लिख के एक बार व्हाट्सएप कर देना, आप इस यज्ञशाला ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आपके और हमारे सबके जीवन का परम मंगल हो ऐसी शुभ भावना के साथ हरिओम।